देश के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अरुण जेटली का 66 साल की उम्र में निधन हो गया। पिछले कुछ दिनों से अरुण जेटली की तबीयत नाजुक चल रही थी। वे दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। एम्स ने एक बयान जारी कर कहा कि वे बेहद दुख के साथ सूचित कर रहे हैं कि 24 अगस्त को 12:07 पर माननीय सांसद अरुण जेटली अब हमारे बीच में नहीं रहे। अरुण जेटली को 9 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था। अरुण जेटली का निधन ऐसे समय हुआ जब पार्टी के बड़े नेता अलग अलग जगहों पर दौरे पर थे। प्रधानमंत्री मोदी भी देश से बाहर यूएई अबू धाबी में थे जब उन्हें जेटली के निधन की खबर दी गई और उन्होंने इवेंट तुरंत रद्द कर दिया। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री देश वापसी के लिए निकल चुके हैं। हालांकि खबरों के अनुसार जेटली के बेटे रोहन नहीं चाहते कि पीएम अपना दौरा छोड़ भारत वापस आए। खबरों के मुताबिक फोन पर बातचीत के दौरान अरुण जेटली के बेटे रोहन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि आप देश को आगे बढ़ाने के लिए बाहर गए हैं, इसलिए हो सके तो अपना दौरा रद्द ना करें। उन्होंने कहा कि देश सबसे पहले है, इसलिए आप अपनी यात्रा पूरी करें, उसके बाद ही भारत वापस लौटें। बता दी कि अरुण जेटली को कुछ दिन पहले ही सांस लेने में दिक्कत के कारण एम्स में भर्ती कराया गया था। पिछले कुछ दिनों से उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही थी। जेटली काफी समय से एक के बाद एक बीमारी से लड़ रहे थे। न्यूज़ डेस्क।